गोपियों ने कहा कि हे उद्धव जी, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, हमें ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। क्या तुम सुनाते हो निर्गुण कहानी, हमारी समझ बीच आती नहीं है। वशी दिल के अंदर है मोहन की मूरत, घड़ी पल कभी दूर जाती नहीं है। नहीं योग माया की हमको जरूरत, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। उद्धव जी ने बहुत समझाया, बहुत। गोपियां कहती हैं, उद्धव जी पहली बात तो ये है कि हमें ज्ञान की बातें ना समझ में आती हैं और ना सुनने में अच्छी लगती हैं, हमारे तो सिर के ऊपर से निकलती हैं। यदि बात हमसे करना ही है तो कृष्ण प्रेम की बातें करो, यदि बात करना है तो कृष्ण की बात करो, बात करना है तो कृष्ण के भक्ति की बात करो। ये उल जुलूल बातें, ये बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें, ये निर्गुण और सगुण ब्रह्म की बातें हमारे बस की नहीं है, ये गोपी कहती है। आगे उद्धव जी और समझा रहे हैं, तो गोपियां क्या कहती हैं, उद्धव जी, उद्धव मन ना भय दस बीस, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। उद्धव मन ना भय दस बीस। उद्धव जी, हमारे कोई दस बीस मन नहीं है जो हम यहां वहां सब में बांटते फिरे। हमारा एक मन था जो हमने कृष्ण को दे दिया है, और अब उस मन का कृष्ण के पास से वापस आना मुश्किल है, नहीं आ सकता, ये गोपियां कहती हैं। और उद्धव जी ने बहुत समझाने की कोशिश की पर गोपियों ने सुनने की कोशिश ही नहीं की, यहां वहां बिखर गई, अपने कामों में लग गई। उद्धव जी देखते हैं कि कृष्ण के वियोग में गोपियों की स्थिति कैसी है। कहा, दृष्टैव मादि गोपीनां कृष्णावेशात्म विक्लवम्, उद्धवा परम पीतस्त्वा नमस्यन्निदं जगौ। कहा, कृष्ण के वियोग में गोपिकाओं की स्थिति कैसी है, तो कहा, गोपिकाओं की स्थिति ऐसी है कि दिन रात गोपिकाएं कृष्ण कृष्ण कहती हैं, खाती हैं तो कृष्ण, पीती हैं तो कृष्ण, नहाती हैं तो कृष्ण, गाती हैं तो कृष्ण, रोती हैं तो कृष्ण, लड़ती हैं तो कृष्ण, चीखती हैं तो कृष्ण, चिल्लाती हैं तो कृष्ण, हमेशा गोपिकाएं कृष्ण 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 कहती रहती, ऐसी स्थिति है गोपियों की। उद्धव जी देखते हैं कि एक दिन की बात है, एक गोपी पानी भरने के लिए कुएं के पास पहुंची, एक तरफ पानी भरने वाली गगरिया और दूसरी तरफ अपना छोटा सा बच्चा लिए है। और जब पानी भरने के लिए गई तो गोपी ऐसे कृष्ण भाव में डूबी है कि रस्सी बांधना है गगरिया में, पर रस्सी बांध दी बच्चे के सिर में और डाल दिया कुएं में। उद्धव जी ये सब देख रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और जैसे ही उद्धव जी ने देखा, कृष्ण नाम का प्रभाव तो देखो, पानी से भरी हुई गगरिया जो पानी में नहीं गई थी वो उसके हाथ में,
और उसका बच्चा जो पानी में चला गया था वो उसके पास में है। इस तरह से गोपियों ने दृष्टैवादि गोपी नाम उद्धव जी ने गोपिकाओं की अनेक अनेक ऐसे कार्यों को देखा। एक गोपी भोजन बना रही है और भोजन पकाते पकाते चूल्हे में उसने लकड़ियां लगाना प्रारंभ किया और इतना कृष्ण नाम में डूबी कि लकड़ियां लगाते लगाते रोटी बेलने वाला बेलन ही चूल्हे में चौकी ही चूल्हे में लगा दिया। एक गोपी भोजन पका रही है, खीर बनाई, खीर में उसने उसे डालना थी चीनी शक्कर पर डाल दिया नमक, पर धन्य है कृष्ण नाम कि कृष्ण नाम के प्रताप से वो खारी खीर भी मीठी हो गई। उद्धव जी ने ये देखा है। पागल सी गोपिकाएं हैं, न श्रृंगार करती हैं, न ठीक से वस्त्र पहनती हैं, बाल बिखरे हैं, आधा अधूरा श्रृंगार है, कभी रोती हैं तो कृष्ण का के नाम पर रोती हैं, कभी हंसती हैं तो कृष्ण का नाम लेकर के हंसती हैं। उद्धव जी देख रहे हैं ये प्रेम तो देखो गोपिकाओं का कि गोपियां खुद कृष्ण बन चुकी हैं। उद्धव जी ने कई कई गोपियों में कृष्ण की छवि को देख लिया। कहते हैं ना कि हम जिसका ज्यादा चिंतन करते हैं हमारी स्थिति भी वैसी हो जाती है। जो लोग कृष्ण रंग में रंगे रहते हैं कुछ कुछ उनकी छवि में कृष्ण का दर्शन होने लगता है। तो गोपियां इतनी ज्यादा कृष्णमय हैं कि उद्धव जी ने कई गोपियों में तो बिल्कुल कृष्ण को देख लिया कि ये गोपी नहीं है कृष्ण ही है, इतना गोपियों के भीतर कृष्ण समा गए हैं। ऐसी स्थिति है गोपियों की।